टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पर जिला परिषद सदस्यों ने मांगा जवाब। सीएमएचओ बोले सरकार से अनुमति मिलते ही करेंगे अस्थायी भर्तियां। देश की संसद से महापुरुषों की प्रतिभा इधर उधर करने का आरोप। सरकार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा कुचलने का आरोप। बार बार बिजली गुल होने से नाराज क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग की गाड़ी फूकी, पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। और बिना स्वीकृति निर्माण पर निगम का एक्शन, निर्माणाधीन होटल का एक हिस्सा सीज। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुई। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी और पीएससी पर डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा गर्मा गया। कोटड़ा गोगुंदा सहित ज्यादातर जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को समय पर और सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मजबूर होकर निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को आयोजित सभा में सभी ने सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया से इस बारे में जवाब देने को कहा है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों की सीएससी और पीएससी में डॉक्टर्स तैनात क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सीएमएचओ ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार से अनुमति मिलने पर यूटीबी के माध्यम से जल्द अस्थायी भर्ती की जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद भी किया जाएगा। बैठक में मौजूद जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने चिकित्सा विभाग के अफसरों को कहा कि मौसमी बीमारियों को लेकर पूरी तैयारी रखे, फील्ड विजिट करते रहे। मंत्री बोले अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों की पड़ताल कराकर उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही जिन अस्पतालों में मोर्चरी नहीं है उनके प्रस्ताव बनाकर जनजाति विभाग को भेजे ताकि वहां मोर्चरी का निर्माण करवाया जा सके। देश की नई संसद में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं को संसद परिसर से हटाने का आरोप लगाते हुए अनेक पार्टियों और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रकट किया है। सभी ने एक सुर में आवाज मिलाते हुए प्रतिमाओं को पुनः यथा स्थान पर लगाए जाने की मांग की है। उदयपुर जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। इनके साथ ही अनेक पत्रकारों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावी रिजल्ट के ठीक एक दिन पूर्व एक साजिश के तहत भारत की संसद परिसर से देश के महापुरुषों की मूर्तियां मुख्य स्थानों से हटाकर इधर उधर लगवा दी गई। इनमें मुख्यतः भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी शामिल बताया गया। बताया जा रहा है कि संसद परिसर से हटाकर उन्हें संसद के पिछवाड़े में रखवाने का आरोप लगाते हुए सभी ने एनडीए सरकार की महापुरुषों की अनदेखी करने और इनके विचारों को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एनडीए सरकार की इस कार्रवाई का समस्त राजनीतिक, सामाजिक एवं जनसंगठन मिलकर विरोध प्रकट करते हुए राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि सरकार के ऐसे संविधान विरोधी और बहुसंख्यक जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाले कार्य को रोक लगाते हुए सभी प्रतिमाओं को पुनः अपने निश्चित स्थान पर स्थापित करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि यह कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो देश में व्याप्त असंतोष और बढ़ता चला जाएगा। इस प्रदर्शन में एक राष्ट्रीय जनता दल के रामचंद्र महावीर समता, संदेश पत्रिका के प्रकाशक और प्रधान संपादक हिम्मत सेठ, समता समूह के उपाध्यक्ष भारत सिंह राव, एडवोकेट हामिद हुसैन कुरैशी आदि भी मौजूद रहे। हम जो वामपंथी समाजवादी और अम्बेडकर वादी जो साथी है वो यहाँ मिले कलेक्टर महोदय से और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अभी 3 जून 2024 को जो संसद भवन से डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों की जो स्टैचू थी उनको बड़ी बेशर्मी से उनका अपमान करके उसको हटाया है। और ये एक तरह से जो हटाने से मूर्ति हटाने का ही सवाल नहीं है, ये एक तरह से विचार जो डर है इनको
जो सरकार आज केंद्र में काम कर रही है, उनको जो महात्मा गांधी और अम्बेडकर उनके नाम से उनके विचार से जो डर है, दरअसल देश की जनता को भ्रमित करके इस तरह से धीरे धीरे करके उसको निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग यही यहाँ पर कहने आए हैं कि इसको देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, आप तत्काल पूरे सम्मान के साथ वहाँ पर उसको पुनर्स्थापित करें, ये हम लोग मांग करने के लिए आए। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। बार बार बिजली गुल होने की समस्या से परेशान लोगों ने गुरुवार देर AVNL के सेक्टर 4 स्थित JSS पर हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने JSS में पड़ी निगम की एक गाड़ी को फूंक डाला, साथ ही सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। जानकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे हिरणमगरी JSS से संबंधित क्षेत्रों में बिजली गुल होने से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के बाहर जमा होकर अपना रोष जताया शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद JSS पर लोग पहुंचने लगे। करीब 15 मिनट बाद बिजली आई तो लोग फिर से घरों की ओर जाने लगे। इसी दौरान पुनः बिजली गुल हो गई। इसके बाद लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और हंगामा खड़ा हो गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताना शुरू किया। इसी बीच किसी असामाजिक तत्व द्वारा बिजली विभाग के वाहन को आग लगा दी गई। कुछ ही देर में यह वाहन धुन-धुन कर जलकर राख हो गया। हंगामा बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को खदेड़कर माहौल को शांत किया। कल रात को 10:45 बजे करीब 132 kV से कोई ट्रिपिंग हुई, जिससे ये JSS और एक मनवाखेड़ा वाला JSS, दोनों JSS बंद हो गए। तो इससे जितना भी एरिया था हिरणनगरी का, वो सब सप्लाई बंद हो गई वहाँ पे। तो 33 kV पे वहाँ 132 से बात किया तो पता चला कि वहाँ पे लोड ज़्यादा होने की वजह से एक जंपर निकल गया। तो उन्होंने उस चीज़ को जिस फीडर पे चल रहा था उससे दूसरे फीडर पे डाला उन्होंने, और सप्लाई चालू हुई। वो सप्लाई भी 10-15 मिनट चली और वापस ट्रिप हो गई। तो फिर उन्होंने यार्ड में जाके प्रॉपर शटडाउन लेके वापस उस चीज़ को, जो जंपर जला हुआ था ना, उसको वापस रिपेयर किया कि ये भाई दूसरे फीडर पे भी ये लोड की वजह से नहीं चल पा रहा है, तो इसको वापस रिपेयर किया जाए। उसकी वजह से क्या, आधा पौन घंटा सप्लाई बंद रहेगी। उस चक्कर में ये इतने बड़े एरिया में बंद थी तो लोग इकट्ठे होकर सब आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आके वो नारेबाजी और ये मतलब हंगामा किया उन्होंने, और ये गाड़ी वाड़ी जलाने की उन्होंने वारदात कर दी। क्यों था लोगों में मतलब एकदम से इतना आक्रोश, 40 मिनट की लाइट बंद होने पे? एक तो ये अभी सप्लाई लगातार डिस्टर्ब हो रही है 220 kV 132 kV पे। जब से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी ना, उसकी वजह से लोड बढ़ गया। लोड बढ़ने का एक मुख्य रीज़न तो ये भी है कि साहब आजकल AC बड़े ईजिली अवेलेबल है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना, दुकान पर हो जाके AC लेके आना है ना। तो उसकी वजह से क्या, आजकल कूलर तो खरीदना बंद हो गया, AC चलने लग गए, तो उसकी वजह से जो सिस्टम पर लोड आ रहा है, वो सिस्टम पे को लोड लेने की भी एक कैपेसिटी है कि 400 एम्पीयर तक लोड ले सकता है। उससे ऊपर लोड जाएगा तो वो ट्रिप हो गई होगा सिस्टम, है ना। सेफ्टी के लिए एक चीज़ बनी हुई कि पूरा सिस्टम फेल नहीं हो तो वो ट्रिप होता है। उसकी वजह से जब ये ट्रिपिंग हो रही है तो लोगों में भी हो रहा है कि भाई अपन लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है। ये जो इतनी गर्मी भी 8 साल में 10 साल में पहली बार पड़ी है वापस, है ना। तो उस हिसाब से ये एक मतलब असामान्य स्थिति है मौसम की, जिसकी वजह से असामान्य लोड में वृद्धि हो रही है, उस वजह से ट्रिपिंग हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिप हो रही है तो कोई आदमी काम पे नहीं निकल रहा, 24 घंटे टीम तैनात है और तुरंत उस पर अटेंड करते हैं जो भी फॉल्ट होता है। अगर लोकल फ्यूज भी उड़ रहा है या 11 kV का लाइन भी बंद हो रही ना, तो आदमी 24 घंटे टीम मुस्तैद है और उसको कर रही है। अब उसमें जो भी 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा लग रहा है, वो जो भी तकनीकी खामी उसको दूर करने में वो समय तो लगना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है या कोई काम नहीं कर रहा है। 24 घंटे बराबर टीम लगी और अपन ने टीम भी डबल कर रखी है। थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि भाई इस टाइप के जो जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया है, भाई कोई भी चीज़ की है और उनको ये अधिकार तो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लें और किसी के साथ मारपीट धक्का मुक्की या इस टाइप का करें, तो उनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। उसमें भी मुख्य मुद्दे यही है कि भाई जो कर्मचारी है उनकी सुरक्षा की सुनिश्चितता की जाए। मतलब कि भाई हॉक भी जैसे हर आधे घंटे में, कल उनका पुलिस वालों को बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने हाथों हाथ गिरफ्तारियाँ भी की और जो कार्रवाई उनके लेवल पर कर सकते की, उस चीज़ को और उस किया जाए, रेगुलर रखा जाए। तो ये है, और जनता से यही अपील है कि भाई इस जो भी ये संकट चल रहा है उसमें धैर्य से हमारे साथ दें। हम उनके लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी कभी अवकाश में नहीं रहता है, आपको 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे कर्मचारी मिलेगा, तो धैर्य से हमारा साथ दें, बस ये है ना।
की? रात को यहाँ पे 33 KV की सप्लाई रात के करीब 10:30 बजे करीब बंद हो गई थी, और 33 KV की सप्लाई आगे से क्या जम्पर निकलने के कारण बंद थी, तो आगे से जब 33 KV की सप्लाई वापस एक बार चालू हुई तो उसमें फिर एक फेज नहीं आया, जिससे कि वो लाइन वापस जेएन साहब ने ट्रिप करवा दी कि वो इसका जम्पर निकला, दूसरी लाइन से चलाते हैं, दूसरी लाइन से जम्पर उस लाइन को मिलाया वापस और उस लाइन को चालू की, तो वापस कंज्यूमर के कहने पर कि लाइटें वापस चलित नहीं जाएगी, तो उन्होंने विश्वास नहीं माना और वो यहीं बैठे रहे, और उनके कहने के अनुसार वापस 15 मिनट बाद वापस सप्लाई गुल हो गई, और फिर कंज्यूमर की भीड़ की संख्या बढ़ती गई और उग्र हो गई एकदम भीड़, और 700-800 की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसके कारण हम अपना जेएन साहब को पहले ही फ़ोन कर चुके थे कि पुलिस का जाब्ता भेजो, और पुलिस का जाब्ता थोड़ा लेट आया, जिसकी वजह से हमको यहाँ से बच के बाहर निकलना पड़ा, और उसके बाद में यहीं के कुछ उपभोक्ताओं ने अंदर घुसकर गाड़ी में आग लगा दी। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, होमली एनवायरमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, एयर कंडीशन्ड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जैन सोसाइटी ग्रांट्स, 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड सेफ कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर नगर निगम द्वारा बिना स्वीकृति लिए बनाई जा रही एक होटल को सीज किया गया है। लालघाट स्थित जगत निवास नामक होटल पर शुक्रवार सुबह कार्रवाई करते हुए निगम की टीम द्वारा इसे सीज कर दिया गया। फिलहाल होटल के एक हिस्से को सीज किया है, जिसे नियमों के विपरीत बनाया गया था। होटल संचालक ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए निगम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर निगम की टीम ने होटल के उस हिस्से को आगामी आदेश तक सीज करने का नोटिस चस्पा किया। होटल को G+2 की स्वीकृति दे रखी है, लेकिन उसमें स्वीकृति के विपरीत निर्माण करते हुए कुछ कमरे और बनाए गए हैं। निगम ने कार्रवाई करते हुए उसी भाग को सीज किया है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जिलों की नगरी उदयपुर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किए गए। योगाभ्यास स्वयं और समाज के लिए थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के गांधी ग्राउंड पर सुबह 6:30 बजे सामूहिक योग का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगासन किए। गांधी ग्राउंड के अलावा कई पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी योग किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर में नवाचार करते हुए इस बार कार्यक्रम की कमान महिला प्रशिक्षकों ने संभाली। जिला स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास करने के लिए प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्ना लाल रावत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद थे। सांसद मन्ना लाल रावत ने कहा कि लेक सिटी में योग को समर्पित चौराहे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा महाराणा प्रताप खेलगांव तरणताल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास करवाया गया, जबकि नगर निगम उदयपुर की ओर से टाउन हॉल उद्यान में भी योग का अभ्यास किया गया। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी, मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स।
उदयपुर के अंबामाता थाना पुलिस ने पटाखा साइलेंस बाइक के साथ स्टंट दिखाने वाले और आमजन को परेशान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप में 30 बाइकों को जब्त किया है। अंबामाता थाना पुलिस ने गुरुवार को रानी रोड पर पटाखा साइलेंस और पावर बाइक के साथ स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन पटाखा बाइक्स को जब्त किया है। उदयपुर के अंबामाता थाना अधिकारी हनवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रानी रोड पर शाम के समय शहरवासी घूमने के लिए निकलते हैं, इसी दौरान कई युवा तेज रफ्तार के साथ पावर बाइक बुलेट बाइक से फायर के आवाज निकालते हैं, जिससे पर्यटक और शहरवासी सहम जाते हैं। थानाधिकारी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद गुरुवार शाम को 4 टीमों का गठन किया गया। टीम ने रानी रोड पर अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करते हुए 30 मोडिफाइड साइलेंसर वाली और पावर बाइकों को जब्त किया है। साथ ही चालकों से पर्यटकों व अन्य लोगों को ध्यान में रखते हुए समझाइश भी की गई। पुलिस ने बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी पर जिला परिषद सदस्यों ने मांगा जवाब। सीएमएचओ बोले सरकार से अनुमति मिलते ही करेंगे अस्थायी भर्तियां। देश की संसद से महापुरुषों की प्रतिभा इधर उधर करने का आरोप। सरकार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा कुचलने का आरोप। बार बार बिजली गुल होने से नाराज क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग की गाड़ी फूंकी, पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। और बिना स्वीकृति निर्माण पर निगम का एक्शन, निर्माणाधीन होटल का एक हिस्सा सीज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।